मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम गढ़वा के सम्मानित लोगों का आदाब नमस्ते और प्रणाम करता हूँ। मैं आज अपनी दिल की बात है जो आप सभी लोगों के साथ रखना चाहता हूँ। चूँकि दो दिन से मीडिया में लगातार जो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बात कुछ था, बनाया कुछ जा रहा है, आज मुझे लगा कि सामने आके इसका जवाब देना चाहिए। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस अपनी बात रखना चाहता हूँ, चूँकि इस लोकतंत्र में मुझे लगता है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। मैं अंदर से बहुत आहत हूँ, कैसे दो व्यक्तियों के बीच मनमुटाव को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, कैसे इसे पार्टी से जोड़कर JMM BJP किया गया। मैं आज आप सभी मीडिया के सम्मानित लोगों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात रखने आया हूं। अगर हमारी गलती होगी तो निश्चित आप हमें दंडित करें, क्योंकि मैं आप ही का हिस्सा हूं, आप ही का अंग हूं। लेकिन बिना मेरी बात सुने, बिना मेरा पक्ष सुने, सारे आरोप को सत्य मान लेना, ये कैसा न्याय है मेरे साथ? इस बात से आहत हूँ। यह बात दुकानदार और दुकान मालिक के बीच का था, जो शायद दुनिया का यह पहला केस नहीं है कि दुकान और दुकानदार के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता हो। फिर भी सिर्फ और सिर्फ मुझे गलत साबित किया गया। मैंने जब दुकान लिया था 2018 में, तो मुझे दो भाइयों ने, अमलेंदु नारायण और पूर्णेंदु नारायण ने एग्रीमेंट किया था, और उन दोनों के बीच मैंने 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया देने की बात थी, मैंने 5 लाख रुपया ही दिया था दोनों को, 2.5 लाख रुपया, और हर महीने भी बतौर 6-6 हज़ार रुपया रेंट दोनों के अकाउंट में मैं देता था। मुझ पर आरोप लगा, जो मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि रेंट नहीं देने के कारण मैंने मारपीट किया। अब आप सब तय करें, गढ़वा के लोग तय करें कि कोई भी मकान मालिक रेंट के लिए किसी दुकान पर तब चढ़ता है जब कोई 5-6 महीना से नहीं देने का इरादा रखता हो या नहीं देने का मन बनाया हो। मेरे पास ये प्रूफ है, मैं आज ये प्रूफ के साथ आया हूँ कि मैंने अगस्त तक का रेंट अप टू डेट किया है। ये मेरे पास प्रूफ है, अगस्त तक का रेंट मैंने अप टू डेट किया दोनों भाई के अकाउंट में। सितंबर का रेंट 5 अक्टूबर को पूरा हुआ, 4 दिन लेट हुआ। ऐसी 4 दिन में कौन सी बात आ गई थी? मुझे नहीं लगता है कि गढ़वा के कोई भी मकान मालिक होंगे कि 4 दिन में किसी के दुकान पर चढ़ेंगे। और मैंने कोई बात आंटी जी से नहीं किया, अगर आंटी जी से मेरी बात हुई है तो वो बताएं मुझे किस नंबर से बात हुई है, वो सार्वजनिक करें कि मैंने कब उनको बोला है नहीं देने का। मैं ना तो हिंसा के पक्ष में रहता हूँ, ना ही मारपीट में विश्वास रखता हूँ। कोई भी सामाजिक संस्था हो, किसी भी इंसान को तभी अपने साथ रखती है जब उसके अंदर एक इंसानियत हो, समाज सेवा की भावना हो। क्योंकि मेरा संस्कार, मेरी परवरिश मुझे हर दूसरे इंसान की सहायता करने, मोहब्बत करने और इज्जत करना सिखाता है। अगर उन्हें बात करना ही था तो वो मुझे अपने ऑफिस बुला लेती, घर बुला लेती, लेकिन जिस तरह से बर्ताव किया गया, ये मेरे मन को दुखी करता है। खाली कराने का एक तरीका होता है, आप दोनों भाई बैठ जाती, दोनों भाई हमसे कहती हम निकल जाते हैं। जब भी मुझे एक तरफ से बोला गया निकलने के लिए, मैंने 5 लाख रुपया बोला कि 5 लाख एडवांस कौन देगा। जब मैं छोटू केसरी के पास जाता था, छोटू चा के पास जाता था, वो बोले कि तुम रेंट दे रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं निकालना चाहता हूँ। लेकिन बड़े भाई के तरफ से हमेशा टॉर्चर किया जाता था, हर बार टॉर्चर किया जाता था। हर दुकान का एग्रीमेंट 11 महीना का होता है कानूनी तौर पर, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, खुद मेरे फादर किए हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन आप बताएं, जब कोई दुकान लेता है तो उसको सजाने में कितना पैसा लगता है? क्योंकि आज के डेट में सजावट बहुत मायने रखता है, दुकान में सजाने में पैसा लगता है। बैंक से लोन लेता है आदमी, मेरे ऊपर भी कैनरा बैंक का 10 लाख का CC है, दिल्ली के पार्टी का 7-8 लाख का उधार है, और मेरा भी ग्राहक के ऊपर 2 लाख का उधार है। अब ऐसे में आप बताइए, इस नुकसान का भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है। लगातार 2 साल कोरोना महामारी के बाद यह एक पर्व रौनक था कुछ कमाने का, हमने 7-8 लाख का माल भी ला के भरा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि क्यों ऐसा हो गया। फिर भी मैंने, हम दोनों के बीच कंप्रोमाइज़ हो गया है, हमने खाली कर दिया है, ये जानते हुए कि इसमें मेरा बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी
मैं कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता हूँ, इसलिए मान लिया कि मेरा जितना भी बड़ा नुकसान हो लेकिन मैं खाली कर दूंगा। यह सारा घटना मुझे ऐसा लगता है कि प्लान के साथ दशहरा पर्व को देखते हुए सौहार्द खराब करने के लिए किया गया। जानबूझकर इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। मैं आंटी के परिवार के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके परिवार के आड़ में जो लोग सौहार्द खराब करना चाहते थे, गढ़वा का विकास देखना नहीं चाहते एवं दंगा कराना चाहते हैं, याद रहे गढ़वा में कुछ बुरे लोग हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आपकी ये मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। इस घटना से मेरे नेता माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की एवं मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश की गई। ये दो लोगों के बीच का मामला था जो इस तरह से दिखाया गया। मैं दावा करता हूँ आपके साथ कि कोई भी मेरा फेसबुक पोस्ट दिखा दीजिए आप, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा सामाजिक काम दिखा दीजिए जो सिर्फ एक समाज के लिए होता हो, या मैं गलत मानसिकता का आदमी हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। मैंने अपने परिवार से सीखा है सारे समाजों को जोड़ के चलना, सारे समुदाय को लेकर चलना, पूरे समाजों में एकता बनी रहे, यह मैं सीखा हूँ। मैं पूरे दिन सुबह से शाम तक समाज सेवा करता हूँ अपने माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से सीखकर। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, आप सब उदाहरण हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में मैंने अपनी बिना जान के जो जान जोखिम किए हुए परवाह किए हुए मुझसे जितना बन पड़ा, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मैंने लग के मुझसे जो समाज सेवा हो सका मैंने किया। मैं आहत हूँ इस बात का कि मैं इतना समाज सेवा में लगा रहता हूँ फिर भी इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया। मैं कहता हूँ कि एक हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, सबसे पहले एक इंसान को समझिए। अगर मेरी इंसानियत में कभी है तब फिर आप मेरे को बताइए। आप कहते हैं इस बात का कि मैं एक कौमी का हूँ या ऐसे हूँ, मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ कि मैं वैष्णो देवी 2 साल पहले पैदल चढ़ाई किया हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी, शौक थी। मैं रजरप्पा का मंदिर गया हूँ। जब मैं रांची इंजीनियरिंग पढ़ता था तो मैं हर संडे राजा पहाड़ी मंदिर जाया करता था, देवड़ी मंदिर गया हूँ, वैष्णो देवी का डाला का वैष्णो देवी का मंदिर गया हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास। मैं राखी भी उसी शौक से बंधवाता हूँ, होली भी उसी त्यौहार शौक से साथ मनाता हूँ। मैं हर त्यौहार को मोहब्बत के साथ मनाता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे अंदर भी कुछ कमियाँ होगी, मुझसे भी उस दिन जाने अनजाने में गलती हुई होगी, जिसके चलते मैं आप सभी के माध्यम से आंटी से मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं, वो मेरी माँ समान है। मैं जान रहा हूँ कि उस दिन जो बहस हुआ होगा उसमें मेरे से गलती हुआ होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं था। मैं आप लोगों का ही हिस्सा हूँ, आपका ही अंग हूँ, ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत अंदर से आहत हूँ। अंत में मैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया बंधु से ये निवेदन करता हूँ कि देश को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा रोल है, सबसे अहम रोल है। आप की जिम्मेदारी है जो सच है वो दिखाएं, बिना मेरा पक्ष लिए, बिना मेरा सच जाने। आपने जो विचार रखा है, जो मसाला दिखाया है लोगों को, निश्चित इसमें मेरा छवि खराब हुआ है। आप सबों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप हमको बखूबी जानते हैं, जिस तरह से आपने वो चलाया, आप इसको भी अच्छे से दिखाएं, मेल मोहब्बत बढ़ाएं गढ़वा में, गढ़वा का सौहार्द बिल्कुल सही रहे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ। अंत में समस्त गढ़वा वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ, एवं माँ दुर्गे से ये कामना करता हूँ कि गढ़वा को बुरे लोगों से बचा कर रखे, एवं समूह समुदाय को लोगों को आपस में मोहब्बत के साथ रखे। और रही बात मेरे हौसले की, तो मैं जो समाज सेवा में हौसला करता हूँ रखता हूँ, मेरे हौसले को इन सब बातों से तोड़ा नहीं जा सकता। निकल पड़ा हूँ लोगों के दिल जीतने प्यार बांटने, ऐसे छोटे मोटे रोड़े मुझे मेरे राह में भटका नहीं सकते। आपसी एकता और सौहार्द बनाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आपका अपना मोहम्मद मासूम खान। धन्यवाद, शुक्रिया।